नमस्कार सभी भाई और बहनों, तो आज मैंने बहुत दिनों के बाद ये ड्रेस पहनी है वापिस। ये ड्रेस तो अच्छी पड़ी थी, ये लगभग 1-1.5 साल हो गए लाइव, लेकिन इसकी चुनरी खराब हो गई थी। तो ये जो चुनरी है ये कविता ने मुझे मैचिंग करके इस ड्रेस के ऊपर ला कर दी है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इस ड्रेस के ऊपर ही है, कितनी अच्छी लग रही है। कविता को इन ड्रेसों के बारे में बहुत नॉलेज है, मैचिंग करना, चुनरी कौन सी, ये मैचिंग करना, मतलब इसके बारे में उसे बहुत नॉलेज है कविता को, मुझे इतना नहीं है। मैं तो जो गांव से चूड़ियां पहनकर आती हूँ वही जब तक वापस गांव जाती हूँ वही मेरे हाथों में रहती है। पहले चूड़ियां भी इतनी कोई मैचिंग करके नहीं पहनती हूँ और इतना ध्यान नहीं देती हूँ। कविता को ड्रेस सिलेक्ट करना, रजपूती साड़ी, ये भी बहुत अच्छे से आता है, बहुत होशियार है वो इस काम में। और वो ये ड्रेस भी उसी ने ला कर दी थी पहले। अच्छी लगी, थैंक यू कविता। दोपहर के 12 बज चुके हैं, 12:30 ही हो चुके हैं, लेट हो रहा मुझे खाना बनाने के लिए और बच्चे स्कूल से आ जाएंगे फिर, तो चलिए खाना बनाती हूँ। सुबह से मैंने घर का काम किया है और ये वीडियो एडिट किया, वीडियो एडिट करने में बहुत टाइम लगता है तो लेट हो जाती है फिर खाना बनाने में, बाकी काम करने में फटाफट काम करते करते लेट हो जाती है। तो आज हम शॉपिंग करने भी जाएंगे बाजार, बच्चे स्कूल से आ जाएं वो खाना खा ले फिर उसके तुरंत बाद जाएंगे, क्योंकि वो 2:30 बजे आते हैं, फिर 3 बज जाएंगे, फिर 2-3 घंटे तो लगेंगे बाजार में शॉपिंग करने में। ये सरसों का तेल है, कच्ची घानी से निकाला हुआ, पिछले साल जब सरसों हुई थी तब निकाला था तो ये अभी तक है हमारे पास। बाकी सर्दियों में ये सरसों का तेल मालिश करने के भी काम आता है बच्चों के। और कल मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें बता रहे थे कि नकली जीरो भी आने लगा है बाजार में, अब क्या करे इंसान। पहले नकली चावल का भी आया था कि नकली चावल मिलते हैं ध्यान रखिए, और अभी नकली जीरो भी, किस किस चीज का ध्यान रखें। उसमें बताया था कि जो जीरा पानी में डालने से घुलने लगे, रंग छोड़ने लगे अपना, तो वो नकली जीरा है। तो आज के ले गया यू स्कूल, ये मिले आज इनको केक बनाने में, फैंसी आर्ट, ये कागज से कुछ बनाना सिखा रहे हैं। हाँ साथ में ये इतने कागज भी दिए रंगीन, और इस पर ना मोटू पतलू, इसके पर पैसे चलाओगे तो पैसे दिखेंगे मोटू पतलू। तो अभी वंदना के पापा आ गए हैं दोबारा, 4 बज गए हैं चाय पीने के लिए, चाल तेरे पापा शॉपिंग करने का, कहा शॉपिंग करा के लिया है। अजय 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 चाय पी ली? हाँ बोलो, तू तैयार क्यों हुई है? हाँ मान शॉपिंग करा के लिया, शॉपिंग करा के लिया, कल फिर करके रही नहीं खड़ा कराई नहीं, बात तो थोड़ी घनी करी, थोड़ी घनी बड़के बाकी रहे क्यों, वो जो बाकी है शॉपिंग और किंग ये सारे हैं बाकी है, तेरी पूरी होगी है, मेरी पूरी होगी बाकी थोड़ी देख सा बाजार में। हैं सारे हैं लाने के, सारे हैं लाने, हां तो लिया होगा अरुण, तू जी ना चला ले ना ए सारे हैं लाने, मैं को चलाऊं जी सारे हैं तो लाने, तो चलो। तो ये ड्रेस देख रहे हैं वंदना के लिए, जींस और ये टी शर्ट और शर्ट में से देख रहे हैं क्या लेना है। ये शर्ट हाँ। ये पसंद है हाँ। इसको जींस और शर्ट पसंद है लेकिन टी शर्ट अच्छी लग रही है। बाबू की अभी बारी को नहीं आई इंतजार करें, इंतजार करें, अरे इतना मस्त कौन लगा बंदो हाँ। लगे ऐ मस्त लगा बंदो, पटियाला सलवार जहाँ थे ब्यास में फिर आलो आ गए घर में डेली रूटीन में काम आ गया पटियाला सलवार। ये कल्पना के लिए देख रहे हैं ड्रेस, क्या लगे बाबू, क्या लगे बंदू पूरी आई है ने हाँ। तेरी जचगी तो हाँ। हाँ? खुश है। तो अभी हमने कपड़े ले लिए हैं और घर से बात हुई थी कि कल्पना के एक ही जोड़ी लेकर आएंगे लेकिन इसने 2 जोड़ी पसंद कर लिए हैं। अब बोलो
एक जोड़ी कैंसिल कर दिया क्यों? शॉपिंग करके वापिस आ गए हैं और आती बनाई है चाय पापा के लिए, लो पी लो चा ले गए। शॉपिंग हुई तो दे रहे हैं। हाँ ठीक है भाई, देर तो मत तो ले बेटी, मैं मेरा तो के लिए को नहीं चले चले ये बार चले चले जी। आप क्यों ते टाबरान दुकान गया? गए को नहीं, कोई साड़ी वाली राजपूतिया दुकान है टाबरान ले आ रहे मुझको नहीं याद आ जाए। बंधु बाबू उठो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बंधु। बाबू गुड मॉर्निंग। तो अभी बच्चे उठ गए हैं और स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं उनके लिए बना रही हूँ पालक और ये धनिया है, इनके पराठे बना के दे रही हूँ। ये कल्पना को देखिए क्या कर रहा है बाबू, क्या कर रहा है? ओ प्रणाम कर रहा है धरती माता ने। ये नमक और मिर्च डाल दिए, ये घी। इतनी सूखी मिर्च? हाँ इतनी बहुत है, ज्यादा मिर्च काम की नहीं है। क्यों डाली? और ये पालक और धनिया। रोटी में छुपे हुए मिलेंगे जब आप रोटी खाओगे। अभी पराठे के दोनों तरफ घी लगाकर अच्छे से सेक लेंगे। तवे के ऊपर मैं घी कम ही लगाती हूँ, थोड़ा घी पराठे को नीचे उतारने के बाद भी लगा सकते हैं। तो ये पराठा बनकर तैयार है। ये दो पराठे और दही मैंने परोस दिए बच्चों के लिए। क्या लगे बाबू पराठा? जीम लो जीम लो, एक और ले रहा हूँ। अभी बच्चों को स्कूल छोड़कर आ गई हूँ और बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मेरा नाश्ता होता है। तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।